और एक मिनट आराम से, अरे इधर से चलिए, इधर से, इधर से, अरे आओ चल गया, ये ना आओ, और एक मिनट, अरे आओ चल गया, इधर से चलिए, इधर से, ये ना आओ, आओ चल गया, ये ना आओ, हम सही दिशा में तो जा रहे हैं ना, पर यहाँ तो कोई घर नहीं है। पर कांता ने तो कहा था कि उसको यहीं कहीं कैद करके रखा हुआ था। रुकिए, वो देखिए दूर वो घर दिखाई दे रहा। जब तक मैं ना कहूं कोई हमला नहीं करेगा, ठीक है? क्योंकि तो अंदर फंसे हुए लोगों को हमें बचाना है, ठीक है? ठीक है जी साहब, आराम से। तुम दोनों इधर जाओ, तुम दोनों इधर जाओ। हे भगवान, ये कैसे बदबू है? ये तो किसी इंसान के मांस की बदबू लग रही है मुझे। वो देखिए भगवान, इंसानी कंकाल, ये तो किसी हैवान का घर लगता है मुझे। और कांता ने तो बताया था कि उसने यहाँ पर बहुत सारे लोगों को चीखते और चिल्लाते हुए सुना है। पर साहब यहाँ तो कोई भी नहीं है, लगता है सबको मार के खा गया वो। ढूंढो सब लोग, चलो। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। हाँ चलो चलो। इंस्पेक्टर साहब वहां भी कोई नहीं है। माचिस, यही है वो आलम को, यही है इससे संभाल कर लेकर इसको क्या पाएगा।
चलो अरे साहब भागो भागो जल्दी लेके भागो साहब जल्दी भागो चलो भागो लेके इसको भागो केडी तुम कुछ भी भूल सकते हो पर वरुण का बर्थडे कभी नहीं भूलते आज वो यहाँ होता तो 27 इयर्स का हो जाता पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि वरुण अभी तक गया नहीं यही है हमारे साथ तुम उसको बहुत प्यार करते थे ना प्यार करता था नहीं प्यार करता हूँ हैप्पी बर्थडे वरुण बस अपुन तो केक है नहीं तो आजकल जमाना इतना खराब हो गया है क्या बोले अपुन आजकल लोग ना ये आदमी आदमी को खा रहे देखो कितना व्हाट रबिश मिल्ली मैडम अपुन रबिश वबिश कुछ नहीं बोल रहे अपुन जो है वही बता रहे हैं अपुन ने देखे अपुन दिखाया आपको ये अपुन ने ना टीवी में आया था अपुन ने रिकॉर्ड किया बस ये रहे अब जो न्यूज हम आपको दिखाने वाले हैं ये न्यूज देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे ये देखो देखा भोपाल के पास केलवा जिले में एक आदमखोर आदमी को पकड़ा गया है इस आदमी पर आरोप है कि इसने बहुत सारे लोगों को जिंदा खा लिया है और अब इस आतंक का खात्मा हो चुका है पुलिस ने कोर्ट में इस शैतान को फांसी की सजा दिलाने की मांग की है और अब देखिए इस दरिंदे की फोटो पॉज कर जरा पॉज कर हाँ बॉस जूम कर जरा ये वैसे भी कोई आदम हो रही है वरुण कैसे हो सकता है केडी वरुण 4 महीने पहले हम लोग को छोड़कर बहुत दूर चला गया है ये वरुण कैसे हो सकता है आंखें सत्य का आईना होती है और आईना कभी झूठ नहीं बोलता बॉस किसी ने कहा है जाने वाले कभी वापस नहीं आते और मेरी आंखें कभी मुझे धोखा नहीं देती ये वरुण ही है समन केलवा जाने की तैयारी कर आपकी हिम्मत की दाद दीन होगी कड़ी साहब बड़े जाबाज आदमी हैं आप मतलब ये कि लोग उससे दूर भागते हैं और आप उसके नजदीक जाना चाहते हैं छोड़ दो मुझे ये आवाज सुन रहे हैं आप जो सादमखोर की आवाजें हैं चिल्लाने की अरे पर इंस्पेक्टर साहब चिल्ला क्या कर रहा है भूखा है खाना चाहिए और वो भी इंसानी गोश्त केडी साहब आपको मालूम है जब शेर आदमखोर हो जाता है ना तो उसके साथ क्या करते हैं बहरहाल ये तो इंसान है इंस्पेक्टर जसवंत मैं अकेले में मिलना चाहूंगा उससे एक बार फिर सोच लीजिए केडी साहब आदमखोर इंसान आदमखोर शेर से ज्यादा खतरनाक होता है सोच लिए
मेरे पास मत आना, मेरे पास मत आना। चले जाओ यहां से, सांप आएगा काट खाएगा, सांप आएगा काट खाएगा। वही आवाज, वही आंखें, मेरी आंखें मुझे धोखा दे रही। सांप आएगा काट खाएगा, सांप आएगा काट खाएगा। कोई कुछ नहीं करेगा तुम्हें, कोई सांप नहीं है यहाँ, कोई नहीं मारेगा, कोई नहीं काटेगा तुम्हें। कौन है तू, कहां से आया? भाग जा यहाँ से, सांप आएगा काट खाएगा। भाग जा यहाँ से, सांप आएगा काट लेगा, सांप आएगा, सांप आएगा काट लेगा। जानवर प्यार की भाषा समझते हैं, दरिंदे नहीं। मैं कह रहा हूँ आपको, इसके नजदीक मत जाना। बस अब तो आपने सब सुन लिया, अब तो चलिए। इसे कहाँ से पकड़ा था तुमने इंस्पेक्टर? एक लड़की इसके चंगुल से छूट के भागी थी, तभी पकड़ा हमने। खोलो दरवाजा, खोलो, खोलो दरवाजा, खोलो। कौन इतने जोर से दरवाजा खटखटा रहा है? पता नहीं कौन है। दरवाजा खोलो भैया जी, किसी लड़की की आवाज लग रही है। तो बोलो कोई। सुन एक काम कर, इसको अंदर रख, इसको भी रख, चल देखते आज। अरे ये तो कांता है। कांता? कौन कांता? अरे ये केलवा गांव की लड़की है कांता। अरे वो जो पिछले शुक्रवार को गायब हो गई थी ना, वही। अच्छा अच्छा अच्छा, देख इसकी तो हालत बड़ी खराब है। ए कांता, कांता देखो बिल्कुल पागल जैसी लग रही है ये तो। कांता, ए कांता, क्या करें, पुलिस को खबर करें क्या? हाँ इंस्पेक्टर, जसवंत को खबर करते हैं ना, और उसको घर लेके जाते हैं। हाँ ठीक है। ए कांता, ए बावली उठना, ए कांता। कांता मेरी बच्ची कहाँ चली गई थी? कहाँ चली गई थी मेरी बच्ची? भाई यहाँ क्या पीछे चल रही है क्या? कांता, पुलिस तुम्हारे साथ, डरने की कोई बात नहीं। हमें बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ और तुम कहाँ थी? मैं वहाँ जंगल में एक गंदे से कमरे में थी। जंगल में? वहाँ कोई और लोग भी थे क्या? हाँ। वो सब लोग ठीक हैं या फिर? पता नहीं, मैं एक कमरे में बंद थी, वहाँ दरार में से बस किसी को घूमते हुए देखती थी। वहां पे लोगों की चीख में चिल्लाने की आवाजें आती रहती थी। वो लोग ऐसे चीखते चिल्लाते थे जैसे उन्हें कोई खा रहा हो। तुमने उस किडनैपर का चेहरा देखा था क्या? नहीं, मैंने नहीं देखा। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि जंगल में वो घर है कहाँ? जंगल में वो वहाँ पर उस पहाड़ी के पीछे। रंगे हाथों पकड़ा है हमने इसे। इस जैसे दरिंदे को फांसी से बड़ी भी कोई सजा होती ना तो जरूर दिलवाता। फांसी तो क्या, मैं इस पर खरोच भी नहीं आने दूंगा। केडी का फोन? केडी? दिलमिल, कैसा है तू? बहुत दिनों के बाद याद किया। वरुण के जाने के बाद तुमने तो हमें भुला ही दिया। वरुण कहीं नहीं गया, यही है हमारे बीच। तो सुन ना, तेरे पास वरुण की कोई ऐसी वस्तु है, कोई चीज है जिसके आधार पर मैं उसका डीएनए टेस्ट करा सकूं? वरुण का डीएनए सैंपल? केडी उसकी क्या जरूरत पड़ी? नहीं यार, ऐसे ही यार पूछ रहा था सिर्फ। केडी पाटा कुछ भी ऐसे ही नहीं पूछता, सब ठीक तो है ना केडी? बात क्या है? तू बता ना, कोई ऐसी चीज है तेरे पास ये किसी के जीवन और मृत्यु का प्रश्न है? मैं कुछ समझा नहीं। समय आने पर सब कुछ समझा दूंगा। अब बता, कोई चीज है वरुण के तेरे पास? केडी, वरुण के जाने के बाद उससे जुड़ी हर चीज मुझे उसकी याद दिलाती रहती थी। कभी कभी अपनों की यादें बहुत तकलीफ देती हैं, इसलिए उससे जुड़ी हर चीज को मैंने अपने से दूर कर दिया, लेकिन उसकी याद को दूर नहीं कर पाया। बस बस
सोच के बता, कोई ऐसी चीज है तेरे पास? अब ऐसा तो कुछ भी नहीं है जिससे कि सोच के बता, कुछ तो होगा। हाँ हाँ, उसके डेंटल मार्क्स हैं। अच्छा चल ठीक है, मैं बिली को भेजता हूँ तेरे पास लेने। केटी, तू मुझसे कुछ छिपा रहा है? क्यों क्यों चाहिए तुझे ये डीएनए डेंटल सैंपल? सच सच बता। एकदम यहाँ। हाँ भेजता हूँ बिली को। देख 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 केटी, मेरी बात सुन। हेलो हेलो केटी, क्या हो गया, क्यों चिल्ला रहे हो? अरे बॉस, अपन एकदम सॉलिड खबर लाया है। वो सदानंद है ना, उसको फांसी की सजा हो गया बॉस। इस बेचारे को इस तरह बेड़ियों में क्यों जकड़ कर रखा है? केडी साहब, हमारे यहाँ जानवरों को जंजीर से ही बांध के रखा जाता है। जरा गेट खोलिए, उसे खाना खिलाना है। आप जानते हैं ना केडी साहब, ये क्या खाता है? सिर्फ इंसान खाते हैं और ये इंसानों को खाता है। और मैं आपको अलाउ नहीं करूँगा। मुझे भले अनुमति न दे, कोर्ट का ऑर्डर तो आपको मानना होगा। एक बात पूछूं केडी साहब, आप इस दरिंदे को बचाना क्यों चाहते हैं? इसके साथ मानवता का रिश्ता है मेरा, भाईचारे का रिश्ता है। सर कोलियर। मेरे पास में डाला, मेरे बोला मेरे पास में डाला, भाग जाओ यहाँ से। सांप आएगा काट खाएगा, सांप आएगा काट खाएगा, भाग जाओ यहाँ से, चले जाओ, मुझे छोड़ दो, मेरे कान चले जाए। जसवंत मेरे साथ देर से। अरे अब उनको काट देंगे। अरे खोल ले इसे। अब कुछ चाबी चाबी लेकर आओ। अरे खोल ले जल्दी जल्दी जल्दी, खोलो खोलो मुझे। अरे बॉस, कुछ 20 25 30 सांप थे उधर, कैसे आ गए इधर? बड़ी विचित्र बात है, मैं भी यही सोच रहा था कि अचानक इतने सारे सांप वहां कैसे आ गए। बॉस अपन को याद आया, अपन ने ना एक सॉलिड हिंदी फिल्म देखी ना, उसमें ये सपेरा रहता है, वैसा बीन बजाता है, ऐसा कुछ बजाता है और सारे सांप पास में आते। बॉस अपन को ऐसा लग रहा है जरूर कुछ ऐसे ही रहेगा। सांप के कान नहीं होते श्रमण, वो बीन की आवाज नहीं सुन सकता। इस कुत्ती को तो सुलझाना होगा। सर्वप्रथम ये प्रमाणित करना होगा कि सदानंद ही वरुण है। हाँ बॉस, अपुन वैसे बहुत भूख लग रही थी। मैंने इस पर वरुण के दांतों के निशान लिए। क्या बात कर रहे हो बॉस, अपुन सेब का झूठा आदमगोर नहीं खाएगा। बोले तो अपुन झूठे आदमगोर का सेब नहीं खाएगा, मतलब सेब का अपुन नहीं खाएगा। ये तेरे खाने के लिए नहीं है, इसे बम्बई लेकर जा और फोरेंसिक डॉक्टर त्रिपाठी से जाँच करवा, इसे मैच करवा रिकॉर्ड से। समझ में आ रही बात? ठीक है बॉस। लेकिन बॉस अपन को ना एक चीज सॉलिड समझ में नहीं आ रही, मतलब क्या माँ की जाए, आप काय को उसको वो आदमगुर को काय को बचाने के पीछे पड़े हो? अभी कहा ना सदानंदी वरुण है। आपको तो उल्टा उसको जेल जा, जो बोला गया वो काम कर जा। ओके बॉस। शर्मा जी, हाईकोर्ट में फांसी रोकने की अपील करनी है।
बहुत पहुंची हुई चीज है केड़ी फाटक। क्या करारा कॉन्टेक्ट निकाला है तेरे को बचाने के लिए, पर बच्चू तू ज्यादा दिन बच नहीं पाएगा। तुझ जैसे दरिंदे को जितनी जल्दी फांसी हो जाए ना, उतनी जल्दी हम सबको शांति मिले। कस के बांधो उस जानवर को और निचले कोर्ट में। योर ऑनर, जब कुत्ता पागल हो जाता है तो उसे भी गोली मार दी जाती है, क्योंकि वो लोगों के लिए खतरा हो जाता है। तो फिर इस जैसे नरबक्षी हैवान की सजा में देरी क्यों? एक नहीं, पांच पांच लोगों के टुकड़े करके खा गया। जानवर भी इंसान को ऐसा नहीं खाता जैसे ये उसे चीर फाड़ कर। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि ये केस वापस खुलवाया क्यों पाठक साहब ने। सारे सबूत देकर सेशंस कोर्ट ने इसे फांसी की सजा सुना चुकी थी। ये नरबक्षी है योर ऑनर, नरबक्षी। लोगों की बोटी बोटी करके खा जाता है। इससे घिनौना काम और कुछ नहीं हो सकता। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि मेरे मुवक्किल ने ऐसा कोई काम किया है। एक नहीं योर ऑनर, 1000 सबूत है। केडी साहब, आप इस देश के इतने बड़े इज्जतदार वकील हैं। एक आदमखोर का केस लेकर आपने अपनी इज्जत दांव पे लगा दी। प्रोसिक्यूटर साहब, मेरे लिए अपनी प्रतिष्ठा से अधिक सत्य मायने रखती है। और सच ये है योर ऑनर कि इस दरिंदे के घर से 1280 इंसानी हड्डियां मिली हैं। और इतना ही नहीं योर ऑनर, इस दरिंदे ने जिन लोगों को खाया है उन लोगों के खून से लथपथ कपड़े भी इसी के कंपाउंड में मिले हैं। इन सब सबूतों को कंफर्म करने के लिए मैं इस केस के इंचार्ज इंस्पेक्टर जसवंत को बुलाना चाहूंगा। इजाजत है। जसवंत जी, आप गायब हुए लोगों के बारे में कोर्ट को तफसील से बताएंगे। जी ऑनर, अभी तक 5 लोग गायब हुए। पहला है हरि कुमार, 24 मई, येलो टी शर्ट। दूसरा नीलेश कुमार, 31 मई, ब्लैक पैंट, येलो शर्ट। तीसरा है गोपाल सिंह, 31 जून, ग्रे पैंट, पिंक शर्ट। चौथा है राजेश अग्रवाल, 21 जून, व्हाइट शर्ट, ब्राउन पैंट। पांचवा फगुन खन्ना, 28 जून, ब्लू शर्ट, ग्रे पैंट। योर ऑनर, गायब हुए लोगों से ये कपड़े मैच होते हैं। योर ऑनर, ये सब केडी साहब के मुवक्किल के घर से मिले हैं। योर ऑनर, हम सब जानते हैं कि यह सामान प्लांट भी किया जा सकता है। इन सब वस्तुओं का मेरे मुवक्किल के घर से मिलना, इसका तात्पर्य ये नहीं है कि ये हत्याएं मेरे मुवक्किल ने की है। मैं प्रोसिक्यूटर साहब से पूछना चाहूंगा, कोई साक्षी, सबूत, गवाह? केडी साहब, हमारे पास एक चश्मदीद गवाह है। योर ऑनर, मैं कांता को कटघरे में बुलाना चाहूंगा। अनुमति है। कांता जी, आपको इस इंसान ने अपने घर में कैद करके रखा था। हाँ, और अगर मैं वहां से नहीं भागती तो ये मुझे भी खा जाता।
ऑर्डर ऑर्डर। और जब आपको कैद करके रखा था तो आपने वहां पे क्या देखा? मैंने वहां पर लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनी और ऐसे लग रहा था जैसे कि वो बहुत ज्यादा तकलीफ में है, जैसे कोई उनको जिंदा खा रहा हो। हाँ बिल्कुल वैसे ही चीखने की आवाजें आ रही थी। केनी साहब आप कुछ पूछना चाहेंगे? हाँ अवश्य पूछना चाहूंगा। कांता जी, इसी व्यक्ति ने आपको बंदी बनाकर रखा था जो सामने कटघरे में खड़ा है? हाँ। तो घर में कहाँ रखा था आपको? घर के कमरे में बंदी बना के रखा था इसने। आपको कैसे पता कि इन्होंने ही रखा था? आपने देखा था इन्हें? खिड़की से देखा था? नहीं खिड़की से नहीं, पर दरवाजे की दरार से देखती थी। दरवाजे की दरार से देखा था तो वहां से आपको स्पष्ट इनका चेहरा दिखाई दिया, इनका मुख दिखाई दिया, तभी आपने इन्हें पहचाना कि इन्होंने ही आपको बंदी बना के घर में रखा हुआ है? देखा था आपने इनका? नहीं चेहरा नहीं देखा था, पर मैंने इसके पैर देखे थे। पैर देखे थे, चेहरा नहीं देखा था योर ऑनर, पैर देखे थे इनके। पैरों को देखकर आपने इन्हें पहचाना है। ये बताइए कि प्रोसिक्यूटर महोदय का ऐसा कहना है कि जो सामने व्यक्ति खड़े हैं कटघरे में, ये मनुष्यों को खाते हैं। आपने देखा इन्हें कभी किसी मनुष्य को खाते हुए, सेवन करते हुए मनुष्य? नहीं मैंने सुना लोगों की। योर ऑनर, इन्होंने इन्हें किसी को खाते हुए नहीं देखा। ये कैसा, हाँ क्या बोल रही थी आप? आपने चीखें सुनाई? मैंने सुना वहाँ पे लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाजें थी और ऐसे लग रहा था जैसे वो बहुत दर्द में हो। नहीं योर ऑनर, सुना किंतु देखा नहीं। जब देखा ही नहीं तो कैसे चश्मदीद गवाह है ये? योर ऑनर, केडी साहब इस केस को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। भटकाने की नहीं प्रोसिक्यूटर महोदय, उचित राह पर, सही राह पर लाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। ये बताइए प्रोसिक्यूटर साहब, आपको ये जो मेरे मुवक्किल हैं, इनका इनका नाम पता है? नहीं। तो नाम तक नहीं पता आपको? जो भी हो, ये जसवंत साहब है, ऑफिसर जसवंत। आप तो इस केस के अफसर हैं, आपने ही गिरफ्तार किया था मेरे मुवक्किल को, आपको तो इनका नाम पता ही होगा, है ना? क्या नाम है इनका बताइए? हम मुजरिम को उसके नंबर 354 के नाम से बुलाते हैं। तो क्या केलवा में हर मुजरिम को आप उनके क्रमांक से ही बुलाते हैं? नहीं, अक्सर हम नाम से ही बुलाते हैं। अक्सर नाम से बुलाते हैं, किंतु मेरे मुवक्किल को आप क्रमांक से बुलाते हैं, जिसका अर्थ यह होता है कि आपको इनका नाम नहीं पता। नाम नहीं बताया किसी को यहाँ, मेरे मुवक्किल का नाम नहीं पता। प्रोसिक्यूटर महोदय, क्या लगता है आपको कितने वर्षों से मेरे मुवक्किल यहाँ केलवा में रह रहे हैं? कुछ 25 से 27 साल। अद्भुत लग रहा है मुझे कि यहाँ 25 से 27 वर्षों से रहने वाला व्यक्ति जो है, यहाँ के लोगों को इनका नाम भी नहीं पता। ये कहाँ से आए हैं, कौन हैं, क्या करते हैं, ये कोई भी जानकारी नहीं है इनके पास। वैसे में संभव है कि ये यहाँ के हो ही ना, कांता जी की तरह इन्हें भी यहाँ वो खुखार मनुष्य के घर में बंदी बनाकर रखा गया हो। अरे इंस्पेक्टर जसवंत, क्या आपने उस घर के मालिक को खोजने का, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया? जी नहीं, क्योंकि वो घर एक जंगल में है और वहाँ कोई नहीं रहता। वो घर जंगल में है और ऑनर, वहाँ कोई नहीं रहता। मेरा ऐसा मानना है कि जब तक घर का असल मालिक न मिल जाए, इस केस को यहीं स्थगित करना चाहिए। मैं मिस्टर पाठक से सहमत हूँ। अदालत उस घर के असली मालिक को जल्द से जल्द ढूंढने का आदेश देती है। योनर, मैं प्रोसिक्यूटर साहब को इस केस के बारे में बेहद जरूरी बात बताना चाहता हूँ। इजाजत है। योर ऑनर,
इस घर के असली मालिक का पता चल गया है। केलवा के प्रॉपर्टी रजिस्ट्रार आज कोर्ट में ही मौजूद है, मैं उन्हें कटघरे में बुलाना चाहूंगा। योर ऑनर, बहुत ही विचित्र बात है, केलवा के प्रॉपर्टी रजिस्ट्रार यहाँ भोपाल में क्या कर रहे हैं? रजिस्ट्रार साहब, क्या आप उस घर के पेपर्स को यहाँ कोर्ट में मंगवा सकते हैं अभी? जी हाँ, कैश के थ्रू पेपर्स मंगवा सकता हूँ। योर ऑनर, आपकी इजाजत हो तो घर के मालिक के बारे में अभी पता लग सकता है। ठीक है, कागजात मंगाए जाए। घर बना है 2003 में और इस घर के असली मालिक का नाम है सदानंद। इस पेपर पर जो तस्वीर लगी है ना, उसे देखकर साफ लग रहा है कि इस आदमी का नाम ही सदानंद है। योर ऑनर, ये तो मेरे सहायक वरुण का चित्र है। वरुण? योर ऑनर, अब ये नया एंगल क्या है? केडी साहब, ये वरुण नहीं, सदानंद है, आदमखोर सदानंद। अब तो आपको यकीन आ गया कि ये घर भी उसका है और यही है वो आदमखोर सदानंद। धीरज रखो। रजिस्ट्रार साहब, किसी भी अचल संपत्ति को रजिस्टर करते समय, जैसा कि यहां किया गया है, रजिस्टर करने वाले व्यक्ति के उंगलियों के छाप भी लिए जाते हैं। सही कह रहा हूं? जी हाँ, इस पेपर में भी है। योर ऑनर, मैं चाहता हूं कि इस अंगूठे के छाप को मेरे मुवक्किल के अंगूठे के छाप से मिलाया जाए। इसकी कोई जरूरत नहीं है। इसकी आवश्यकता है योर ऑनर। मिस्टर पाठक, मैं जज होने के साथ साथ एक चित्रकार भी हूं। मैंने पहली ही नजर में पहचान लिया था कि इस पेपर पर लगी फोटो आपके मुवक्किल की ही है। योर ऑनर, मैं आपकी क्षमता पे संदेह नहीं कर रहा, मैं केवल इतना कहना चाह रहा हूँ कि दिए गए कथन के अनुसार मेरा मुवक्किल इस समय 25 से 27 वर्ष का है। अगर 2003 में ये संपत्ति दर्ज की गई थी तो इसके अनुसार उस समय मेरे मुवक्किल की आयु 15 से 17 साल के बीच होनी चाहिए थी। आप स्वयं बताइए, क्या ये चित्र जो इस दस्तावेज पर है, क्या ये 15 से 17 साल का लड़का लगता है? मिस्टर पाठक, आप सही हो। धन्यवाद योर ऑनर। योर ऑनर, अब मुझे पूरा विश्वास हो रहा है कि ये दस्तावेज जाली है, नकली है और ये बनाए गए हैं मेरे मुवक्किल को फंसाने के लिए। पब्लिक प्रोसिक्यूटर, आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं योर ऑनर, लेकिन मैं कुछ पूछना चाहता हूं योर ऑनर, रजिस्ट्रार साहब से। तो रजिस्ट्रार साहब, ये जो इन कागजात दस्तावेज को देखकर ऐसा लग रहा है, आभास हो रहा है कि ये बनाया गया है मेरे मुवक्किल को फंसाने के लिए, क्यों ऐसा मुझे लग रहा है कि आप भी इस षड्यंत्र में भागीदार हैं? आप वहां से, केलवा से भोपाल क्यों आए अचानक? क्योंकि इस केस में मेरी दिलचस्पी थी और इस आदमखोर को पकड़वाने में मैंने भी मदद की थी। मतलब ये जाली कागजात आपने नहीं बनाए? इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। झूठ बोल रहे हैं आप। योर ऑनर, मैं अदालत से अपील करूंगा कि रजिस्ट्रार साहब को तुरंत बंदी बनाया जाए और इन पर जाली कागजात बनाने के लिए और मेरे मुवक्किल को फंसाने के लिए मुकदमा चलाया जाए। नहीं, मैं बेकसूर, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अगर मैं ऐसा किया होता तो इसको यहाँ क्यों रखता?
योर ऑनर, ये रजिस्ट्रार हैं और ये दस्तावेज रजिस्ट्रार के ऑफिस में बने हैं। योर ऑनर, अगर इन्होंने नहीं बनाया तो ये अदालत अगली तारीख तक के लिए मुलतवी की जाती है। केरी बॉस, कहां रह गया तू? तू वो डेंटल रिकॉर्ड्स लेकर आ, ताकि मुझे जो विश्वास है कि सदानंद वरुणी है, इस बात को अदालत भी माने। हाँ बॉस, आप कह रहे हो तो जाए नहीं बॉस। रिकॉर्ड्स आए या नहीं? हाँ बॉस, अपुन इधर वो डॉक्टर साहब के पास ही बैठे ला। एक मिनट, अपुन फोन देता है, बात करो। पाठक साहब, आपने एप्पल के ऊपर जो डेंटल मार्क भेजे थे, वो डेंटल मार्क वरुण के नहीं है। मैच नहीं हो रहे। हेलो हेलो, फोन देना रे बाबा। हेलो, हाँ चमन बोल। बॉस देखो, अपन छोटा मुंह बड़ी बात बोल रहे हैं, लेकिन बॉस सच बात तो ये है कि अपन को लगता है आप ये वरुण भाई के चक्कर में ना जो असली गुनहगार है ना, उसको जाने देंगे। यार, इंसान को अंधा नहीं शक्तिशाली बनाता है चमन, और मैं सत्य का सिपाही हूँ, कहीं ना कहीं से सत्य खोज कर बाहर निकालूंगा। जी बॉस। तू वहां जा, उस अस्पताल में जहां गोली लगने के बाद वरुण को अंतिम बार ले जाया गया था। अक्सर नई कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहां पुराने की अंत होती है। जैसा आप बोलो। वकील साहब, जरा आराम से। इंस्पेक्टर साहब, मैं किसी से डरता नहीं, आप इसको पकड़ के रखना बस, बाकी काम मैं कर लूंगा। योर ऑनर, आज मैं एक ऐसा सबूत लाया हूं जो इस केस में दूध का दूध और पानी का पानी कर देगा, और मैं ये भी साबित कर दूंगा कि केडी साहब ने रजिस्ट्रार के ऊपर जो इल्जाम लगाए हैं वो बिल्कुल झूठे हैं। योर ऑनर, मैं फोरेंसिक एक्सपर्ट डॉक्टर खन्ना को बुलाना चाहूंगा। इजाजत है। योर ऑनर, मेरे पास कल शाम को दो लोगों के सलाइवा मतलब थूक के सैंपल लाए गए थे। किन लोगों के? सर, एक तो था रजिस्ट्रार साहब का, दूसरा था इस आदमखोर सदानंद का। इसका सलाइवा किसने लिया? योर ऑनर, मैंने लिया, अपनी जान पर खेलकर। सर, हमने इन दोनों के सलाइवा और सदानंद के घर से बरामद हुई हड्डियों पर पाए गए सलाइवा की आपस में जांच की। जांच करने से पता चला कि सदानंद का सलाइवा और हड्डियों पर मिला सलाइवा दोनों मैच करते हैं। समय की परिस्थितियों को देखते हुए अदालत अगली तारीख के लिए मुलतवी की जाती है। लो आ गया मैं, क्या करना चाहते हैं आप लोग? मारोगे मुझे? इस देश के कानून को तुम लोगों ने कठपुतली समझ रखा है अपने हाथों में।
जो तुम्हारे चिल्लाने पर ही अदालत न्याय सुना देगा, और जिसे तुम नरभक्षी समझ रहे हो, वो एक सीधा साधा लड़का है, किसी का बेटा है, किसी का भाई है। ये सोचा तुम लोगों ने? नारे लगाने आ जाते हैं जब देखो। प्रतीक्षा करिए न्यायाधीश महोदय के निर्णय का। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.